नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए एक में चाप की लंबाई, दो में चाप द्वारा बनाए गए तेजखंड का क्षेत्रफल और तीन में जो है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वृत्त को जो है बना लेते हैं। यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये जो है एक वृत्त है। यहाँ देखिए ये जो है वृत्त के केंद्र है और इस केंद्र पे जो है वृत्त के एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है तो 21 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि चाप की लंबाई क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल हमें जो है क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया गया कितना तो 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया कितना तो 60 डिग्री, एक में देखिए चाप की लंबाई। यहाँ देखिए इसको जो है हम एल मान लेते हैं, ये जो है चाप है एल, यहाँ से यहाँ तक इसी का जो है लंबाई चाहिए, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr थीटा बट्टा 360 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 × π का मान कितना है तो 2/7, यहाँ लिखेंगे 2/7 × r का मान कितना है तो 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 21 × θ का मान कितना है तो 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। यहाँ देखिए 60 डिग्री से जब 360 डिग्री में भाग दिया जाएगा 6 7 3 21, 3 2 6 और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया चाप की लंबाई तो 22 सेंटीमीटर। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ देखिए पाई का मान कितना लेंगे तो 2/7 × आर का मान जो है कितना दिया गया है तो 21 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 21 का स्क्वायर × थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। यहाँ देखिए 60 डिग्री से जब 360 डिग्री को भाग देंगे तो आएगा 6, यहाँ देखिए 2/7 × 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 21 × 21 लिख लेते हैं बट्टा में 6, यहाँ देखिए 7 या 21 3 2 6 और 2 से जो है जब 22 में भाग देंगे तो आएगा 11 और 11 × 21 कितना होगा तो यहाँ देखिए 231 होगा, कितना होगा 231, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्या आ गया तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग निकालते हैं कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब जीवा जो है यहाँ पर होगा, इसी के संगत में जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को, इसका क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो देखिए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ देखिए ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री किसका क्षेत्रफल है तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और इसमें से जो है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तब जो है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ देखिए पाई का मान कितना लेना है तो 2/7, तो यहाँ लिखेंगे 2/7 × आर का मान जो है कितना दिया गया है तो 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 21 का स्क्वायर × थीटा कितना है तो 60 डिग्री
बट्टा 360 डिग्री माइनस एक बटा दो, आर का मान कितना है तो 21 सेंटीमीटर है, लिखेंगे 21 का स्क्वायर गुने साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। अब आगे देखिए, 60 डिग्री से जब 360 डिग्री में भाग देता आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 10/7 गुने 21 गुने 21 बट्टा में 6 माइनस एक बटा दो, 21 गुने 21 गुने साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। अब देखिए, 7 3 21, 3 2 6, 2 से 11, और 11 गुने 21 कितना होगा तो 231 माइनस एक बटा दो गुने 21 गुने 21 गुने √3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 गुने 21 कितना होता है तो 441, तो 441 √3/2 2 2 4। और इसको जो है कोष्ठ में ले लेंगे और यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना मिल गया तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अवैध चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।